के दोस्त हैं और उनकी सारी जो लूट की राजनीति है उसके सहभागी हैं। इस आधार जैसे सब लोग सिर्फ बैठ के दिन भर शराब पिए और क्यों करें, ठीक है। मैं मुझे भाई आपको वक्त दूंगा, लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है कोर्ट से, सिसोदिया को 4 मार्च तक, मेरे ख्याल से 5 दिन, 4 मार्च तक कस्टडी दे दी है। सीबीआई की कस्टडी में रहेंगे मनीष सिसोदिया 4 तक, यानी आज तारीख है 26, 27, 28, 1, 2, 3, 4, तो ये 5 दिन की जो सीबीआई कस्टडी सीबीआई ने मांगी थी वो मनीष सिसोदिया जी को कोर्ट ने दे दी है, यानी अब वो सीबीआई की कस्टडी में 5 दिन तक रहेंगे। सीबीआई उनसे साथ कस्टोडियल इंटरोगेशन यानी हिरासत गिरफ्तार करके पूछताछ अब करेगी। 4 मार्च तक सीबीआई रिमांड पर होंगे मनीष सिसोदिया, जो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री भी है। सिसोदिया को 4 मार्च तक सीबीआई कस्टडी दी गई है, ये कहना है कोर्ट का। जितेंद्र शर्मा हमारे सहयोगी, जितेंद्र क्या कहा कोर्ट ने अपने ऑर्डर के दौरान? डेट सोम को मालूम पड़ गई 5 दिन की सीबीआई रिमांड मिल गई है, लेकिन ऑर्डर में कोर्ट ने क्या कहा? देखिए, अभी ऑर्डर अपलोड नहीं किया गया है, ना ही ऑर्डर दिया गया है, लेकिन यह जरूर जानकारी दी गई है कि मनीष सिसोदिया को सीबीआई की 5 दिनों की कस्टडी में भेज दिया गया है। 4 मार्च तक की उनकी कस्टडी सीबीआई को दी गई है, तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है। और इसमें सबसे अहम बात यह है कि सीबीआई ने 5 दिनों की रिमांड मांगी थी और उसमें दलील दी गई थी कि काफी सारे एविडेंसेस है उनके साथ कन्फर्म कराना है, जो इससे पहले जो एक्यूज गिरफ्तार हो चुके हैं उनके बयान दर्ज किए जा चुके हैं, उनके सामने कन्फर्म कराया जाना है। और जिस तरह से इन्होंने एविडेंसेस को नष्ट किया है, मोबाइल फोन जिसकी बात की जा रही थी उसके बारे में जानकारी जुटानी है, डिजिटल एविडेंसेस जो जुटाए गए हैं उसके बारे में जानकारी जुटानी है, और इसके अलावा जो पॉलिसी है उसको लेकर के बातचीत करनी है, उसको लेकर के कन्फ्रंट कराना है, जो एविडेंसेस अब तक जुटाए गए हैं। तो सबसे अहम बात यह है दीपक जी इससे कि सीबीआई ने 5 दिनों की रिमांड मांगी थी और 5 दिनों की रिमांड अदालत ने मंजूर कर दी है। ठीक है, मैं तुरंत चलता हूं राजू राज के पास। राजू राज हमारे साथ, राजू जोगिनी कोर्ट से जुड़ चुके हैं। राजू, क्या अदालत में जज साहब ने आदेश को बताते हुए कुछ टिप्पणी की? नहीं बिल्कुल दीपक जी, मैं बता दूं कि अभी जो जानकारी मिल पाई है कि मनीष सिसोदिया को 5 दिन की सीबीआई रिमांड में भेजा गया है, अभी जो ऑर्डर है वो अपलोड नहीं हुए और अपलोड नहीं दिया गया है, कुछ देर के अंदर ऑर्डर आ जाएगा। लेकिन राउज एवेन्यू कोर्ट के बाहर एक बार फिर से हलचल बढ़ गई है, सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अब ये तस्वीरें आप देखिए राउज एवेन्यू कोर्ट के बाहर, जहां से मनीष सिसोदिया अभी निकलेंगे, पूरी सुरक्षा के साथ दिल्ली पुलिस मनीष सिसोदिया को सीबीआई हेडक्वार्टर ले जाएगी, और इसलिए एक बार फिर से जो दिल्ली पुलिस की हलचल है वो बढ़ गई है, और इसी गेट से मनीष सिसोदिया को ले जाया जाएगा। और यहां पर सुरक्षा बढ़ा दी गई थी, हम सुबह से लगातार ये दिखा रहे थे कि किस तरीके से सुरक्षा का इंतजाम दिल्ली पुलिस ने किया था, क्योंकि लगातार ये आशंकाएं जताई जा रही थी कि